बात करते हैं इंदौर की, जहां दो आर्मी के ट्रेनी अफसर और उनके साथ घूमने आई दो महिला मित्रों के साथ एक घटना हुई। घटना ने प्रदेश की सियासत को पूरे तरीके से गर्मा दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस जो है तो इस मामले में बेहद ही आक्रामक नजर आ रही है। मामला क्या है और इस पर सियासत इतनी हावी कैसे है, सब कुछ विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में देख लीजिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। जंगल राज क्या होता है वो मध्य प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है। सरकार का एक्शन, FIR होना, पकड़े जाना, ये किसका, कांग्रेस क्या चाहता है। इंदौर में आर्मी ऑफिसर के साथ हुई वारदात ने सियासी पारा पूरे तरीके से हाई कर दिया है। कांग्रेस पूरे तरीके से हमलावार है, बयानबाजियां जोरों पर है। PCC चीफ जीतू पटवारी लगातार BJP पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। उन्होंने इस मामले में सीधा प्रहार प्रदेश के मुखिया CM डॉक्टर मोहन यादव पर किया है। जीतू ने इस घटना के चलते प्रदेश की तुलना जंगल राज से की है। जंगल राज क्या होता है वो मध्य प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है। अब आर्मी के अफसर भी सुरक्षित नहीं बचे, कैसा प्रदेश है मेरा। मैं मानता हूँ कि लूट होती है, 10 लाख की फिरौती मांगी जाती है, उसके बाद दो दो महिला मित्र उनके साथ छेड़खानी होती है और एक के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक गैंग रेप, और पुलिस उसको दबाती है, दो दिन तक सामने नहीं आ पाता है। मतलब ये कैसा प्रदेश बना रहे हैं। घटना ने प्रदेश की सियासत को पूरे तरीके से गर्मा दिया है और राजनीतिक गलियारों में ये गर्माहट कुछ इसलिए भी है क्योंकि इस मामले में खुद कांग्रेस के आलाकमान और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है। अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर घटना की निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के सेना के दो जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। साथ ही उन्होंने BJP पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी फ्रंट फुट पर आई और इसे दिल दहला देने वाली घटना बताई है। कांग्रेस के लगातार प्रहारों पर BJP ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है पार्टी का, जरा उसे भी सुन लीजिए। सरकार एक्शन, FIR होना, पकड़े जाना, ये किसका, कांग्रेस का एक्शन है। मैं उनसे पूछता हूँ, आपका एक्शन है ये सरकार का ही एक्शन है। समाज में देखिए, कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, अगर कोई अपराध की प्रवृत्ति, कोई गलत काम अगर करने का प्रयास करता है तो कानून अपना काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तो ऐसे लोग कोई बच ही नहीं सकते। पूरी घटना ने राजनीतिक गलियारों में तलखी का स्तर बढ़ा दिया है। कांग्रेस BJP पर हमलावार है, वहीं BJP भी मामले में सख्ती से पेश आती नजर आ रही है। बता दें कि आर्मी के दो ट्रेनी अफसर यहां अपनी दो महिला मित्रों के साथ घूमने के लिए आए थे और इंदौर के जाम गेट इलाके में ये वारदात हो गई। ऐसे में जरा ये भी जान लीजिए कि हुआ क्या। करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुई घटना। 6 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। आर्मी के दो ट्रेनी अफसरों से की मारपीट, 10 लाख रुपए की मांग की। जामगेट के पास जो आर्मी फायरिंग रेंज है वहाँ पर 4 लोग, 2 लड़के 2 लड़कियाँ वहाँ पर गए थे देर रात को और वहाँ पे 3-4 घंटे बैठे हुए थे, जब पीछे से कुछ लोगों ने आकर उन पर हमला किया। 2 लोगों से उन लोगों ने 10 लाख रुपए बोला लेकर आने के लिए और 2 लोगों को वहाँ पे बंधक बनाया। इसमें 6 आरोपी हैं टोटल और सभी का नाम पुलिस को पता लग चुका है। 2 इसमें हिरासत में भी ले लिए हैं पुलिस ने। इंदौर में हुई इस घटना ने राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। कांग्रेस लगातार मामले में सरकार पर हावी होने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार भी आरोपियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत में नजर नहीं आ रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गुरुवार सुबह तक पुलिस ने 6 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। हालांकि बाकी अब भी फरार हैं, जिसके लिए 10 थानों के TI तैनात कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।